लेकर आया हूं आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपके सामने एक लेक्चर कंडक्ट करूंगा। इस लेक्चर में मैं आपको दी इटालियन गेम खेलना सिखाऊंगा। सो गेम की शुरुआत करें। सो इटालियन गेम स्पेसिफिकली e4 ओपनिंग है। जी हाँ, द किंग्स पॉन ओपनिंग। e4, e5 के बाद नाइट f3, नाइट f6 द नाइट्स ओपनिंग, और उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन होता है बिशप टू b5 का, जो रॉयल लोपेज है। लेकिन हमारी जो ओपनिंग है इटालियन गेम, इट्स बिशप टू c4। इस पूरी ओपनिंग का सिर्फ एक मेन एम होता है f7 पॉन को टारगेट करना, जिसमें अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आप जीत सकते हो आसानी से। सो इसलिए ये मोस्टली प्रेफर की जाती है और कई जगहों पर ये खेली भी जा चुकी है कई बार। इसके बहुत सारे ट्रांसपोजिशंस हैं और वर्ल्ड वाइड इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। सो मैं फर्स्ट ट्रांसपोजिशन दिखाऊंगा द फ्राइड लिवर अटैक का। अगर नाइट f6 खेला जाए ब्लैक की तरफ से टू नाइट्स डिफेंस, तो फिर यहाँ पर वाइट फ्राइड लिवर अटैक में जाता है नाइट टू g5 खेल के। सो आप इस पॉन को बहुत ज़्यादा अटैक किया जा रहा है और आप क्वीन से उसको डिफेंड नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक को एक ही मूव मिलता है खेलने के लिए d5। d5 के बाद e takes on d5। अगर यहाँ गलती से भी knight takes on d5 ब्लैक खेल ले तो वाइट को यहाँ पे सैक्रिफाइस करना है। वाइट को यहाँ पे खेलना है knight takes on f7, king takes on f7 के बाद queen f3 चेक, और उसके बाद king to e8 और knight to c3। जी हाँ, इस पावरफुल नाइट को टारगेट करते हुए, और अब किंग कुछ नहीं कर सकते इस पोजीशन में। इसलिए यहाँ पे आपको नाइट को पीछे खेलना पड़ेगा या फिर किसी तरीके से और कोई मूव खेलना पड़ेगा जिसकी वजह से आप हेल्प कर सकते हो अपने आप को इस पोजीशन में, बिकॉज ये पोजीशन सच में बहुत बुरी है दोस्तों, स्पेशली ब्लैक के लिए ही। हालांकि लोग खेलने से इसे डरते हैं, लेकिन ये बहुत अग्रेसिव है। दूसरा, इस बिशप टू c4 मूव के बाद अगर यहाँ पे बिशप टू c5 खेला जाए, जो कि ग्वाको पियानो गेम है, यहाँ पे दो पॉसिबल मूव्स हैं। एक तो c3 जो कम खेला जाता है, और अगर आप c3 नहीं खेलना चाहते और थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना चाहते हैं तो यहाँ b4 द एवंस गैम्बिट। जी हाँ, द इटालियन गेम का ट्रांसपोजिशन एवंस गैम्बिट में होता है। एंडरसन इसे काफ़ी खेला करते थे और पॉल मॉर्फी भी। सो बिशप टेक्स ऑन सी b4 के बाद c3 एंड बिशप गोज बैक टू a5 और फाइनली d4। ये काफ़ी एग्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा पॉन सेंटर एस्टैब्लिश कर रहे हो और f7 पॉन को अभी भी अटैक कर रहे हो, जो कि पूरे के पूरे इटालियन गेम का मेन एम है। वापस जाते हैं बिशप टू c4 पे। यहाँ पे अगर आप बिशप टू c5 के बजाय अगर यहाँ h6 पुश किया जाए, तो h6 में हम क्या करेंगे? h6 का मैं नाम बता देता हूँ, इसे एंटी फ्राइड लिवर अटैक कहते हैं। और एंटी फ्राइड लिवर अटैक को काउंटर करने के लिए जो काउंटर प्ले है, उसमें तीन मूव्स इन्वॉल्व है, d4 मूव, नाइट टू c3 मूव या कैसल। और कैसलिंग प्रेफर्ड होता है बिकॉज आपका किंग सेफ हो जाता है, ये अटैकिंग नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा, जी हाँ, अगर आपने वॉन्स सुने तो जी हाँ, वो मैंने खुद प्ले किए थे। d4 के बारे में बात करते हैं। e takes on d4 और knight takes on d4 के बाद यहाँ पे मतलब तीन अच्छे पीसेस हैं वाइट के पास ब्लैक के खिलाफ, एंड एक्सचेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर आप knight to e5 खेलते हो, जो कि इस बिशप को अटैक कर रहा है, देन सिंपली बिशप गोज बैक टू b3 एंड फिर भी ये कितना भी ट्राई कर लो, ये सेवन पॉन अटैक हो रहा है, क्वीन गेम में इजीली आ सकती है, अभी कैसलिंग वायबल है, एंड सो ऑन। वापस बिशप c4 के बाद ये दो ट्रांसपोजिशन ऑलरेडी हो गए मेन लाइन के, और थर्ड मेन लाइन ट्रांसपोजिशन d6 का है। ब्लैक की इस ओपनिंग को कहते हैं फाइलाडोर डिफेंस, और फाइलाडोर की मेन लाइन होती है knight to c3। नाइट टू c3 के बाद बिशप g4 खेला जाता है, और यहाँ रिकमेंडेड मूव, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कैसल कीजिए। यहाँ पे एक बहुत फनी ट्रैप है जिसे लीगल ट्रैप के नाम से जाना जाता है। वो ट्रैप है कि इस नाइट से इस पॉन को ले लिया जाए। ये इतना एग्रेसिव दिखता नहीं है और लगता है बहुत स्टूपिड है, लेकिन अगर कोई आदमी इस क्वीन को कैप्चर कर ले, तो सिंपली बिशप कैप्चर्स, किंग मूव्स टू e7 के बाद इस नाइट से आपको चेकमेट मिल रहा है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल तो, बिकॉज यहाँ पे कैसलिंग ही प्रिफर्ड है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नाइट टेक्स ऑन e5 के बाद
अगर यहाँ नाइट ने ले लिया जो कि द मोस्ट वायबल ऑप्शन ओवरऑल है, सो यहाँ पे आपके पास काउंटर प्ले करने के लिए कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा f3 खेलना पड़ेगा और f3 के बाद नाइट कैप्चर्स एंड बिशप कैप्चर्स, या फिर आपको इस बिशप को बचाने के लिए पीछे रिट्रीट करना होगा। और फिर भी यहाँ पे आप अप वन पीस अप है ब्लैक, सो ये खेलना वायबल बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा इसे ट्राई भी मत कीजिए। लीगल ट्रैप के लिए हर कोई नहीं गिर सकता। सो यहाँ पे हो गई लीगल ट्रैप की बातें, वापस जाते हैं बिशप टू c4 के बाद। और यहाँ b6 सॉरी यहाँ ये जो मेन लाइन है वो इस मूव का है b6। सो अगर मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया था पहले उसको अगर आपने ठीक से याद रखा है तो b4 नाइट टेक्स ऑन b4 के बाद पॉन टू c3 और फिर आगे का आगे होगा, यानी कि इस नाइट को कहीं ना कहीं रिट्रीट करना होगा, या तो c6 स्क्वायर पे या तो a6 स्क्वायर पे, तो आपने आपको बचाने के लिए यहाँ एक ट्रिकी मूव हो सकता है इस गेम में, यहाँ पे आप d5 खेलें। सो d5 के बाद अगर आप मेरा नाइट लो तो मैं आपका बिशप ले लूँगा, काइंड ऑफ थिंग बन जाएगा। सो अगर ये खेला जाए तो फिर आप कैप्चर कर लें, और कैप्चर करने के बाद वापस कैप्चर कर सकते हैं ब्लैक। सो ये बहुत ही मतलब अजीब होगा और यहाँ खेलना आसान नहीं होगा आपके लिए। सो अभी सिक्स और नाइट टेक्स ऑन b4 के बाद c3 खेलें और d5 मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। सो d5 अच्छा है, अग्रेसिव है, लेकिन आपको आपके लिए खेलना आसान नहीं होगा। सो यहाँ जो सेकेंड मोस्ट खेला जाता है मूव वो है बिशप टेक्स ऑन b4 c3, और फिर ये एवंस गैम्बिट ट्रांसपोजिशन जो है ये खेलना आसान होता है, ये एग्रेसिव भी होता है। सो मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा दोस्तों। सो ये आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल खेल कर देखिए एक बार, इसे खेलने में बहुत मज़ा आता है। सो उसकी बात हो गई। अब एक अननोन डिफेंस दी क्वीन f6 मूव के बारे में बात करते हैं जो इस बिशप टू c4 के बाद खेला जाता है। अगर यहाँ पे क्वीन f6 खेला जाए तो आप सीधे सीधे कैसल करके बिशप c5 और d3 से प्रोसीड कर सकते हैं, यही मेन लाइन मूव है। और आप कुछ और ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, लेकिन ये मेन लाइन मूव खेलना आसान है क्योंकि ये बिशप जो है डार्क स्क्वायर का फ्री हो जाता है और स्क्रीन पे अटैक बना पाता है। सो अगर यहाँ नाइट e7 खेला जाए तो वापस आप इसको ला सकते हो फ्राइट लेवल अटैक में, जी हाँ, फिर नाइट g5 पर इस बार मेटिंग थ्रेट। सो ये बहुत सिंपल भी है और खेलना आसान भी है, लेकिन आपको सिर्फ मेन लाइन मूव पता होनी चाहिए। अगर आपको मेन लाइन मूव नहीं पता हो तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है आपको। सो g6 खेला जाए अगर ब्लैक की तरफ से, जो किंग्स इंडियन डिफेंस ट्रांसपोजिशन है जो मेजॉरिटी नहीं खेला जाता, तो कैसल कर लें बिशप टू g7 c3 नाइट f6 रुक e1 और ब्लैक के कैसल करने के बाद फिर d4 खेले तो आप एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ बना सकते हैं। ये रिकमेंडेड मूव है, ना कि मेरी तरफ से पर चेस इंजिन द्वारा भी। और ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इस बिशप टू c4 मूव के बाद द ग्रेटेस्ट एमेच्योर लेवल ट्रैप ऑफ, जी हाँ, हमारे इटालियन गेम में भी ब्लैक एक ट्रैप सेट कर सकता है और वो इसी मूव पे सेट होता है, और वो है नाइट गोज़ टू d4। नाइट गोज़ टू d4 एक ट्रैप क्यों है, बिकॉज यहाँ पे वाइट अगर लालची हो जाए और गलती से भी इस नाइट मतलब e5 पॉन को कैप्चर कर ले उस f3 नाइट से, तो यहाँ क्वीन टू g5 एक बहुत खतरनाक ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप इस पॉन को भी अटैक कर रहे हो और इस नाइट को भी, और नाइट जो है वो अच्छी तरह से प्लेस्ड है। मैंने इसे डीपली एनालाइज किया है, तो अगर बिशप टेक्स ऑन f7 किंग टू e7 या f4, सो क्वीन टेक्स ऑन f4 के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको या तो उस नाइट को या उस बिशप को, दोनों में से एक को डेफिनेटली खोना पड़ेगा, जो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और फिर कहूँगा दोस्तों, मेन लाइन मूव को ही चूज कीजिए। सो बस आज के लिए इतना ही, मैं फिर से आपके लिए वो पूरा इटालियन गेम सीक्वेंस दोहरा देता हूँ। e4 e5 नाइट f3 नाइट f6 और बिशप टू c4। इटालियन गेम बहुत पावरफुल है, ये कई सेंचुरी से खेला जा रहा है, सो ये खेलना बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और स्पेशली अगर आप एमेच्योर लेवल पे हो या प्रो लेवल पे भी हो तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा खेलना। सो इस ओपनिंग को ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड मैं मिलूँगा आपको अगले एपिसोड में एक नई e4 ओपनिंग के साथ, जस्ट विद आदि स्पेशल एडिशन की।